आज मैं मछली बनाने वाली हूँ। और ये देखिए मछली को मैंने अभी हाथ में पकड़ रखा है और ये बरारी मछली है। मछली को पकड़ने में थोड़ा सा डर लग रहा था, पहली बार मछली पकड़ा है मैंने इस प्रकार से, वो भी जिंदा, बट अब ठीक है, कंफर्टेबल हो गई मैं इसे पकड़ने में। ये देखिए इसका साइज कितनी बड़ी है। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि मछली को काट के तैयार कर लेंगे। तो मछली काफ़ी बड़ी है और मैंने कभी मछली नहीं काटा है, तो यहाँ पे मछली को मेरे जेठ ने काट के मुझे दे दिया था, उसके बाद मैंने मछली बनाया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि मछली का जो मुंडी होता है सिर, उसे काट के हटा देते हैं। मछली का मुंडी काटने के बाद मछली का जो पेट होता है उसे निकाल के हम साफ कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। तो पीस आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। और इसमें जो आपको येलो येलो दिख रहा है ना, ये मछली का अंडा है। इसके पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। और आपको पता है बिहार में जब छठ महापर्व ख़त्म हो जाता है ना, तो पारन के अगले दिन या फिर शाम को स्पेशली लोग बिहार में मछली बना के ज़रूर खाते हैं। तो यहाँ पे मछली कट के तैयार हो गई है। तो अब आप क्या करें कि पानी डाल के इसे अच्छे से धो लें। अब आप यहाँ पे नमक डाल दें, तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें नमक डाल सकते हैं। यहीं पे आप 2 चम्मच हल्दी डाल दें, या हल्दी आप अपनी आवश्यकता अनुसार भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और हल्दी मछली के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और मछली में जब आप हल्दी नमक मिक्स करें तो थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतें क्योंकि मछली में होते हैं कांटे। तो मछली को रेस्ट करते हुए यहाँ पे पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। और सरसों के तेल में मछली का जो स्वाद है ना, बहुत लाजवाब आता है। और जब आप इसे चूल्हे पे बनाएंगे ना, तो उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे क्योंकि इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब आप यहाँ पे मछली के पीसेस डाल दें और थोड़ा सा आप इसे कवर कर दें, क्योंकि जैसे ही हम मछली के पीसेस तेल में डालते हैं ना, तेल के छींटे बहुत उड़ते हैं, तो हाथ ना जले, इस वजह से मैंने इसे प्लेट से हल्का सा कवर कर दिया था। और एक बार में उतने ही पीसेस डालें जितना कि डाल के आप आराम से तल सकें। और अगर गैस पर बना रहे हैं तो इसे तलते समय गैस का आँच आप मीडियम रखें। और एक बात और कि जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद यहाँ पे आप मछली डालें। अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा और अगर आपने पीसेस डाल दिए ना, तो क्या होगा ना कि ये जो मछली के पीसेस हैं ना, वो कढ़ाई के तले में चिपक जाते हैं। तो जब आप पलटते हैं ना, तो पीसेस टूट जाते हैं। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के इस मछली को बनाएंगे ना, तो स्वाद बहुत लाजवाब आएगा। और इसे डालने के बाद आपको तब तक नहीं पलटना है जब तक ये नीचे से हल्के से सिक ना जाए। तो यहाँ पे ये देखिए नीचे से हल्के से सुनहरे हो गए हैं। तो ये देखिए कितने आसानी से पलट जा रहे हैं, पीसेस बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी ये मछली तल के तैयार होगी। तो मछली को हम दूसरी तरफ से भी पलट के देख लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा प्यारा सा सुनहरा इसके ऊपर कलर आ गया है। इसके मतलब है कि ये अच्छे से तल गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मछली फ्राई हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा इसी प्रकार से मछली को डाल के तल लेंगे। और मछली ज़्यादा है तो इसे फ्राई करने में काफ़ी समय भी लगेगा आपको। तो जब तक इधर मछली फ्राई हो रही है, तब तक हम क्या करेंगे कि इसके लिए मसाला पीस के तैयार कर लेंगे। मसाला पीसने से पहले आप क्या करें कि सिल्वर पे पानी डाल के उसे अच्छे से धो लें। और मसाले में यहाँ पर आपको चाहिए होगा 12 से 15 सूखी लाल मिर्ची, 2 बड़े चम्मच सरसों के दाने और 4 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पीस लेंगे। अदरक लहसुन को हम क्या करेंगे कि बाद में पीसेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन बहुत जल्दी पीस जाता है और ये जो साबुत मसाले हैं ना, इसे पीसने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अदरक लहसुन को अगर आप बाद में पीसेंगे ना, तो वो फटाफट से पीस जाएगा। तो यहाँ पे एक बार हमारा मसाला पीस गया है, तो अब हम इसे एक बार और पीस लेंगे। और जो मछली थी ना, वो पूरी 2.5 किलो की थी, लेकिन मैंने यहाँ पे 1.5 किलो मछली को मसाले के साथ बनाया है और बाकी 1 किलो मछली हमने फ्राई करके ऐसे ही खा लिया था। तो मसाला यहाँ पे हमारा पीस के तैयार हो गया है। अब हम मसाले को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे एक दूसरे बर्तन में उठा लेंगे।
तो इसे क्या करें ना, उठाने से पहले जिस बर्तन में हमें मसाला उठाना है ना, उसे हम सिलवट के कॉर्नर पर रख के इस प्रकार से मसाले को उठा लेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से उठ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अदरक और लहसुन को पीस लेंगे। तो 1 इंच इसमें मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और पूरा 2 पोट मैंने यहाँ पर लहसुन का इस्तेमाल किया है। तो लहसुन अदरक बहुत ही आसानी से पिस जाता है, तो अगर आप इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे ना, तब भी ये पिस के तैयार हो जाएगा। तो अदरक लहसुन भी यहाँ पे हमारा पिस गया है, तो अब हम इसे भी उठा लेंगे। तो जिस बर्तन में हमने पहले मसाला उठाया था ना, उसी में हम इस अदरक लहसुन के पेस्ट को भी उठा लेंगे। तो मसाला यहाँ पे हमारा पिस के तैयार हो गया है और उधर मछली भी हमने फ्राई कर लिया था एक तरफ। अब आपको यहाँ पे तड़का लगाना है, तो तड़के में आपको यहाँ पे डालना है 1 बड़ा चम्मच सरसों के दाने और 1/4 चम्मच मेथी के दाने। तेल हमारा पहले ही से गर्म है क्योंकि मछली को अभी हमने फ्राई करके निकाला है, तो इसे आप अच्छे से चटकने दें। तो तड़का यहाँ पे हमारा अच्छे से चटक गया है। अब हम यहाँ पे पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। इसी के साथ 1 चम्मच यहाँ पे आप हल्दी पाउडर डाल दें, या हल्दी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। 2 छोटा चम्मच यहाँ पे आप नमक डाल दें, या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और जो मसाला है ना, उसे हमने बहुत मेहनत से पीसा है सिलवट पे, तो थोड़ा सा पानी डाल के जो कटोरी में बचा हुआ मसाला है उसे भी निकाल के कढ़ाई में डाल देंगे। मसाले को यहाँ पे आप अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे 2 बड़े आकार का कटा हुआ टमाटर डाल दें। उसके बाद आपको मसाले को तब तक भुनना है जब तक कि ये जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक ना जाए और मसाला अच्छे से भुन ना जाए, क्योंकि जब तक आप मसाले को अच्छे से नहीं भुनेंगे ना, मछली का जो स्वाद है ना वो सही नहीं आएगा। तो मसाला यहाँ पे हमारा भून के तैयार हो गया है, तो अब हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। तो पानी का जो अनुपात है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि मछली डालने के बाद मछली भी काफ़ी सारा ग्रेवी सोखती है, तो अगर आपने यहाँ पे पानी कम डाला ना, तो मछली के डालते ही सारा ग्रेवी सूख जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पूरा 1 लीटर पानी डाला है। जैसे ही ग्रेवी में हल्का सा उबाल आना शुरू हो जाए, अब फ्राई किया हुआ मछली डाल दें। और इस तरह से जब आप मछली बनाएंगे ना, तो आपकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और अगर आप उस स्वाद को मिस कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से मछली को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और अगर आपकी कोई मेमोरी जुड़ी है ना इस रेसिपी के साथ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जो लोग शहर में रहते हैं स्पेशली जब गर्मी की छुट्टियों में या फिर फेस्टिवल वगैरह में गाँव जाते हैं, तो स्पेशली मछली वगैरह घर पर बनवा के खाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें कि इसे ढक दें और ढक के 5 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ दें, ताकि जो ग्रेवी का फ्लेवर है ना वो मछली में अच्छे से आ जाए और ग्रेवी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं और मैं अब आपको मछली दिखाती हूँ। और ये देखिए आ रहा है ना, इसे देख के आपके मुँह में भी पानी, और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पे ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है ना, पतली है। अभी जैसे ही ये ठंडा होगा ना, ये और गाढ़ी हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा आप इसे गाढ़ा ना करें। तो मैं आज की इस मछली को गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, और आप भी इस मछली चावल का आनंद उठाएं और अपने परिवार में सभी को खिलाएं। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप देख सकते हैं कि मछली के जो पीसेस हैं ना, वो बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो मैं तो चलती हूँ इस मछली चावल का आनंद उठाने अपने परिवार के साथ। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में, तब तक के लिए बाय बाय।